हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड। ये शेयर मुझे नज़र आता है कि अपसाइड भागता हुआ नज़र आएगा। क्या रीज़न है, ओके, इसके पीछे क्या फैक्ट्स है, इसके क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्ट्स है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस चैनल को नए लोग को भी कनेक्ट करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, नॉलेज ले सके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एज वेल एज डिक्सन टेक्नोलॉजी LTI यहाँ पर शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, RCTC से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी और एक साल में 3100 का टारगेट दिया गया था। और बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे मैं बोलता हूँ, इन द सेंस मैं अराउंड की बातें करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट आया था जहाँ पर बोला गया था 1550 पे यहाँ पर नीचे आया, 1500 तक नहीं आया, तो यहाँ पर अराउंड की बातें की जाती है, इसे मिस जजमेंट ना करें। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, प्लेलिस्ट बनाई गई है, यहाँ पर जाके आप वीडियोस देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी वहां पर नॉलेज ले सकते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट और उसमें किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। तो आइए स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो अगर बात करें, देखिए अपोलो हॉस्पिटल का शेयर आज की डेट में 1.53% गिरता हुआ नजर आया है। 5 डेज की बात करें तो ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, 1 मंथ की बात करें यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट 1 साल की बात करते हैं अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, मतलब सब चीज यहां पर पॉजिटिव, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और रिटर्न की बात करें, 1 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, 3 महीने में भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है, बट लॉन्ग टर्म जितना आप रहते हो तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिलता है यहाँ पर इस शेयर में। इसके अलावा बात करें, देखिए ये शेयर चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था, तो बात करें देखिए शेल्बी यहाँ पर लिमिटेड ये शेयर है, यहाँ पर ये पीबी भागता हुआ नज़र आया, अच्छे खासे इन्होंने रिजल्ट पेश करे, मेट्रोपॉलिस ने अच्छे रिजल्ट पेश करे, तो यहाँ पर लगभग 8-9% तक ये शेयर भागता हुआ नज़र आया। तो दीज आर द रीज़न्स कि मैंने यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल चूज़ किया है। और अपोलो हॉस्पिटल मेरे पास पहले भी था, मैंने यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर फिर एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से अगर बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा शेयर है और ये जब स्मॉल कैप वाले और ये मिड कैप वाले स्टॉक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक है ये अपोलो हॉस्पिटल, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और इस बार के रिजल्ट भी अच्छे खासे देता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर एक स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये शेयर आज की डेट में परचेस किया है, दिस इज़ द रीज़न मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस देने जा रहा हूँ कि ये क्यों मैंने यहाँ पर पिक किया है। बोनस की बात करें, अभी तक कोई बोनस नहीं आया, बस स्प्लिट यहाँ पर एक बार हो चुका है और राइट इशू भी कंपनी एक बार लेके आई है। और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, प्लेजिंग, यहाँ पर प्लेजिंग है, लगभग 27% की प्लेजिंग है, बट अगर बात करें वो भी प्लेजिंग 1 साल के मुताबिक लगभग 9% यहाँ पर इस हॉस्पिटल्स ने प्लेजिंग को छुड़वा लिया है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है। एज वेल एज आज की दिन की बात करें तो लगभग 50% की 2,37,000 यहाँ पर शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए है, ये एक इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर नजर आता है। एज वेल एज डिविडेंड कंपनी डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करती रहती है, और यहाँ पर प्लेजिंग है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बट ये प्लेजिंग यहाँ पर जब नीचे की तरफ जा रही है तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। और भी पॉजिटिव पॉइंट देखिए, नेगेटिविटी भी देख सकते हो इसमें, पॉजिटिविटी ये आपके ऊपर नजर ही आएगी, आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं। ओके, मुझे ये पॉजिटिविटी नजर आती है तो मैं यहाँ पर शेयर मैंने खरीदा है। एज वेल एज अगर बात करें, मार्केट कैपिटल अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, डेट है तभी तो प्लेस कर रखा है इन्होंने अच्छा खासा। और यहाँ पर देखिए कुछ पॉजिटिव, यहाँ देखें तो लगभग 10,261 बेड्स है इन 71 फैसिलिटीज इंडिया और ऑल अराउंड वर्ल्ड में। ओवरसीज की बात करें, यहाँ पर इंडिया के बाहर भी ये शेयर नजर आता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एज वेल एज यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें, देखिए हाइएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर बात करें पिछले कुछ अगर जून से यहाँ पर पेंडेमिक आ गया था उसके बाद से दोबारा कंसिस्टेंसी यहाँ पर नंबर्स में आनी शुरू हो गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बार के जो रिजल्ट आएंगे काफ़ी बेहतरीन आएंगे, क्यों आएंगे जो मुझे लगता है इसके बारे में अभी बात करूंगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, धीरे धीरे नेट प्रॉफिट भी उस स्पीड से आता जा रहा है पेंडेमिक से पहले के लेवल से, अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और इस बार तो हॉस्पिटल्स में आपको पता ही है किस तरीके से ये भागम भागी लगी है लोगों की, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक की वजह से, और इन हॉस्पिटल्स ने उस चीज़ का फ़ायदा ऑब्वियसली बातें होता हुआ नज़र आएगा हॉस्पिटल्स को। और अपोलो हॉस्पिटल्स तो वैक्सीनेशन में भी यहाँ पर इन्होंने अपने स्टाफ को तैयार कर रखा है, दे आर ऑलवेज रेडी, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सेल्स देखिए, हाईएस्ट एवर सेल्स है, यहाँ पर हाईएस्ट एवर
प्रॉफिट है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव वाली है। बाकी बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स यहाँ पर कंपनी के पास अच्छे खासे है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। यहाँ पर अगर बात करें, कंपनी आपका धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपेंड भी करती हुई नज़र आ रही है, अपने ऊपर खर्चा भी, और जो भी प्रॉफिट आता है बुक्स में यहाँ पर दिखाई भी देता है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखें, थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर इन्होंने 1% की कम करी है, बट DIS की बात करें उन्होंने 3% के आसपास यहाँ होल्डिंग बढ़ा ली है DIS की, सॉरी FIs ने। और DIS की बात करें, यहाँ पर DIS ने भी 9% 10% की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास देखिए, अच्छे जो शेयर होते हैं ना, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर पब्लिक कम ही दिखाई देती है, तो पब्लिक यहाँ भी कम है, 6% की ही होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। बाकी FIs DIS सारे अच्छे हाथों में यहाँ पर होल्डिंग है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो यहाँ पर रीज़न है, देखिए मेट्रोपोलिस जो कि आज की डेट में 8-7% 9% बढ़ता हुआ नजर आया है, इसने हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट किया, 292 करोड़ का और यहाँ पर 61 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी जनरेट करके दिखाया। जब ये छोटे हॉस्पिटल यहाँ पर जनरेट करके दिखा सकते हैं अच्छे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर मेट्रोपोलिस ने हेल्थ केयर ने दिखाया एज वेल एज यहाँ पर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं शेल्बी का भी हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब इनकी पीयर्स कंपनी और इनका लार्ज कैप कंपनी जो पूरे नॉर्थ इंडिया में और एज वेल एज महाराष्ट्र वगैरह सब जगह यहाँ पर दिखाई देती है हॉस्पिटल्स, जब तो ये भी आपको अच्छा खासा ही दिखाई देगा। और जब पैंडेमिक में यहाँ पर अच्छा खासा, इस बार तो अच्छी खासा इन्होंने बिजनेस करते हुए नजर आया। इसके पीछे और भी कुछ रीज़न है, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के, तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार यहाँ पर ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा लास्ट टाइम जब यहाँ पर रिजल्ट आया था, तो ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15% के आसपास का इसने अपसाइड मूव्स दे दिया था। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, लगभग ये शेयर यहाँ पर नजर आया था, लगभग 18% के आसपास का यहाँ पर अपसाइड्स था, जो कि अच्छा बहुत बेहतरीन कहा जाता है। ओके, इसे अच्छा खासा गेन कहा जाएगा, और इसी तरीके का रिटर्न अगर इस बार भी मिल जाता है, तो ये शेयर 3600 रुपये के आसपास जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं इतने की भी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ थोड़े से की, और थोड़ा सा कितने की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये शेयर अभी इस पर और इसका हाईएस्ट एवर कितना है, अभी जो रिसेंटली हाई बनाया था इसने यहाँ पर 52 वीक हाई जिसे कहते हैं, तो लगभग 7-8%। अगर आपको थोड़े से टाइम में जब इसके रिजल्ट आने वाले हैं और हाईएस्ट एवर ये भी रिजल्ट पेश करेगा मुझे लगता है जो, तो इतना जब ये करेगा तो ये भी 8-10% भागता हुआ नजर आएगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने शेयर लिया है। एक गलती बताएगा, मैंने क्या की थी लास्ट टाइम, मैंने यहाँ पर ये हाई पे खरीद लिया था, लगभग 3 महीने के लिए यहाँ पर मैं ट्रैप रह गया था, और यहाँ पर फिर जब इस लेवल पर आया था मैंने यहाँ पर ये बेस सेल आउट किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है लगभग यहाँ पर बात करें तो 6% नीचे आ चुका है, और 6% नीचे आ चुका है, और उसके बाद जिनके कॉम्पिटिटर के रिजल्ट अच्छे खासे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है ये दोबारा रिवर्स होगा और यहाँ पर 8-10% के रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। तो इस पर्पज से मैंने ये वीडियो लेके आपको बताना चाहा, ये शेयर को इसी पर्पज से मैंने खरीदा है, ये 8-10% के रिटर्न मिलेंगे, आई विल गेट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर लीजिएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए, कुछ परफेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर बात करें शेल्बी और मेट्रोपोलिस के रिजल्ट अच्छे आए, तो अपोलो के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ये भी शेयर भागता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 6% यहाँ पर डाउन है, तो इस वजह से मैंने ये शेयर चूज़ किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।